खबर झारखंड से। झारखंड हाई कोर्ट ने रद्द की 18,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया। झारखंड सरकार द्वारा बनाए गए और लागू किए गए नियोजन नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने सोमवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 18,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही इस मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए फैसला को सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने राज्य की नियोजन नीति को सही ठहराते हुए अदालत में कहा था कि झारखंड की कई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही यह नीति बनाई गई है। प्रार्थी सोनी कुमारी व अन्य ने राज्य की स्थानीय नीति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर नियोजन नीति को चुनौती दी थी। पूर्ण पीठ में न्यायमूर्ति हरिश्चंद्र मिश्रा, न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति दीपक रोशन शामिल हैं। 8वीं की छात्रा से छेड़खानी के आरोपी प्रिंसिपल ने किया कोर्ट में सरेंडर, कोर्ट ने भेजा जेल। ललमटिया सिद्धू कानू सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य संतोष तिवारी ने सोमवार को गोड्डा न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी प्रिंसिपल को जेल भेज दिया है। 8वीं कक्षा की एक आदिवासी छात्रा ने स्कूल में ही छेड़खानी का प्रिंसिपल पर आरोप लगाया था। जानकारी के मुताबिक छात्रा ने पिछले रविवार को ही ललमटिया स्थित सिद्धू कानू सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य संतोष तिवारी पर छेड़खानी करने का आरोप लगाया था। लड़की ने अपने लिखित आवेदन में कहा कि वो 8वीं के एक विषय में पास नहीं कर पाई थी, फॉर्म भरने की जानकारी लेने स्कूल गई थी। प्रधानाचार्य संतोष तिवारी ने स्कूल की ही छेड़खानी करने का प्रयास किया। छात्रा ने आवेदन में बताया कि घटना के दौरान दूध वाला आ गया, जिससे मेरी अस्मिता लूटने से बच गई। छात्रा का कहना है कि प्रिंसिपल पर पिछले साल भी एक लड़की ने आरोप लगाया था, पर मामले के दबाव पे रफा दफा कर दिया गया था। मुझ पर भी मामले को रफा दफा करने का दबाव डाला जा रहा था, लेकिन मैं मामले का थाना तक ले गई और मामला कराया। विधानसभा में गुंजा सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज का मामला, न्यायिक जांच की मांग। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षी दल भाजपा के विधायकों ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल को रद्द करने समेत अन्य मांगों को लेकर सदन के बाहर धरना दिया। विधानसभा में सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज का मामला गूंजता दिख रहा था। कोरोना संकट के बीच झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 दिनों के लिए आयोजित किया गया है। इस दौरान स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदस्यों से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया, ताकि कोरोना संकट के दौर में भी पक्ष विपक्षी एकजुटता दिख सके। धनबाद में पीएम कृषि सम्मान निधि के लिए आवेदन किए 76,158 लोगों की जाँच, 67,550 फर्जी। धनबाद में बड़ा फर्जीवाड़ा, 1,02,048 लोगों ने पीएम कृषि सम्मान निधि के लिए आवेदन किया, जिनमें 76,198 लोगों का जांच किया गया तो 67,550 फर्जी पाए गए। सदन में जमकर हंगामा। इरफान अंसारी बोले, भाजपा ने सहायक पुलिस कर्मियों को लाठी खिलाया। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आज दूसरे दिन सदन के अंदर जमकर हंगामा हो रहा है। हंगामे के बीच भाजपा ने अनुपूरक बजट के कटौती प्रस्ताव पर बहस के बाद सदन का बहिष्कार किया। सदन में कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा के लोगों ने सहायक पुलिस को खाना खिलाकर, पानी पिलाकर पथराव कराया और लाठी खिलवाया। उन्होंने कहा कि नागपुर में आरएसएस के दफ्तर में 24 घंटे बिजली झारखंड के कोयले से ही रहती है। उन्होंने मांग की है कि जमातियों पर से मुकदमा वापस हो। कहा कि स्वास्थ्य विभाग के 155 कर्मी को हटाया गया है, उनकी नौकरी वापस मिले। बाबूलाल मरंडी के साथ रहे प्रदीप यादव ने कहा, अब ना बोले तो कब बोलेंगे। केंद्र सरकार पर उन्होंने हमला करते हुए कहा कि ट्रेन बेच रहे हैं, हवाई जहाज बेच रहे हैं, बाहर बोलने पर मुकदमा होता है तो सदन में बोलने में होगा। 45 करोड़ भारत सरकार ने नहीं दिया। नशा मुक्ति को लेकर चलाया गया जागरूक अभियान, बनाया गया एक्शन प्लान। नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर जिले में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने एक्शन प्लान तैयार किया है,
जिसके तहत स्कूल व कॉलेज में नशा मुक्ति को लेकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ गांव एवं टोलों में नुक्कड़ सभा करके उसके नुकसान को बताया जाएगा। एक्शन प्लान को अमली जामा बनाने को लेकर सोमवार को उपायुक्त दिव्यांशु झा ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ऋषि ने कहा कि नशे की बीमारी एवं लत को जड़ से समाप्त करना है, नशा मुक्ति के लिए बृहद अभियान चलाया जाएगा। बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने की तैयारी, सड़क और पुल परियोजनाओं को पूरी होने में 2 करोड़ की आबादी को होगा लाभ। सरकार इस बात को अच्छी तरह समझती है कि विकास का सपना दिखाए बिना बिहार चुनाव को फतह कर पाना आसान नहीं है। पिछले चुनाव के रिकॉर्ड को यदि देखा जाए तो यहां जात पात के आधार पर मतदाता बढ़ते रहे। इस बार कोशिश है कि इस सामाजिक कुरीति से मतदाताओं को विकास का सपना दिखाकर बाहर निकाला जाए। कुछ दिन पूर्व रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं को ही सौगात पूर्व बिहार, कोसी और सीमांचल के दी गई। अब सड़क और पुल के सौगात देकर बिहार, झारखंड और बंगाल की दूरी को कम करने की तैयारी की जा रही है। झारखंड में अब ट्रांसजेंडरों को भी मिलेगा खाद्य सुरक्षा योजना में अनाज। झारखंड सरकार के खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ट्रांसजेंडरों को भी जोड़ा गया है। इस योजना के तहत उन्हें भी प्रति माह 1 रुपये की दर से 5 किलो अनाज दिया जाएगा। राज्य में 15 नवंबर से योजना शुरू होगी। ट्रांसजेंडरों के साथ 40% से अधिक दिव्यांगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के लाभुकों को हरे रंग का राशन कार्ड दिया जाएगा। योजना के तहत आदिम जनजाति परिवार, विधवा, कैंसर, एड्स, कुष्ठ व अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति, अकेले रहने वाली वरीय नागरिकों के लाभ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कैसे चल रहा है पैसे का खेल? 1.5 से 2 हजार रुपये दीजिए और किसान बनकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 6 हजार रुपये सालाना पाइए। धनबाद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर फर्जी तरीके से किसान बताकर राशि दिलाने का बड़ा खेल चल रहा है। एक ही रेती भूमि के कागज पर कई लोगों को किसान बताकर ऑक्सीजन आवेदन दिए जा रहे हैं। बच्चों को भी किसान बताकर आवेदन दिया जा रहा है, कुछ को राशि भी मिल जा रही है। खबर है उत्तर प्रदेश से, अध्यापकों फार्मासिस्टों ने भी उठाया पीएम किसान योजना का फायदा। यूपी के कौशालबंगी में सामने आई बड़ी धांधली। उत्तर प्रदेश के कौशालबंगी जिले के अन्नदाताओं को मदद करने वाली पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ी धांधली सामने आया है। यहां फार्मासिस्ट, अध्यापक, रिटायर्ड फौजी आदि सरकारी कर्मचारी का भी नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जोड़ा गया है। उप कृषि निर्देशक उद्यान सिंह गौतम ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में मृत लोगों का भी नाम जोड़ा गया है। कृषि अधिकारी और कंप्यूटर सेंटर ने भी मिलकर मृतकों, रिटायर्ड फौजियों जैसे अपात्र लोगों को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा पहुँचा दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में घोटाले का भंडाफोड़ आधार कार्ड सत्यापन के दौरान हुआ। कौशालबंगी जिले के सिंधारू विधानसभा में दर्जन भर लोग से ज्यादा गांव में दलालों ने इस घोटाले को अंजाम दिया। मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत गरीब बालक बालिकाओं को मिलेंगे हर महीने 1200 रुपये। सरकार द्वारा गरीब बालक बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने की शुरुआत कर दी है। कई योजनाओं के अंतर्गत राज्य के गरीब बालक बालिकाओं को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत श्रमिक परिवार के बच्चों को अच्छा जीवन और बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए, साथ ही यह योजना का लाभ देने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। राज्य के ऐसे लोग जो श्रम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो अपने बच्चों को भी काम पर लगा देते हैं और उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, उन्हें इस बाल श्रमिक विद्या योजना के लाभ दिया जाएगा। खबर है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश में किसान बीमा योजना के तहत 13 जिलों में किसानों को मिले औसतन 13,760 रुपये। मध्य प्रदेश में किसान बीमा योजना के तहत 13 जिलों में किसानों को औसतन 13,760 रुपये का भुगतान किया गया। इससे पहले क्लेम राशि 100 रुपये से ज़्यादा और 200 रुपये से कम होने पर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सूरत में किसान को बीमा का राशि भुगतान 200 रुपये से कम नहीं दिया जाएगा। साथ ही इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा
के तहत वितरित की गई राशि के संबंध में 13 जिलों की सूची जारी कर दी गई। इसमें उनके फसल का जो नुकसान हुआ उसके एवज में भुगतान की गई राशि 336 करोड़ रुपए है, जो एक बीमा कंपनी द्वारा की गई है। इस लिहाज से प्रत्येक किसान के खाते में औसतन 13,760 रुपए की राशि जाने की बात सामने आई है। बढ़ेंगे सभी रोजगार के बाद अब एजुकेशन को सोनू सूद का सपोर्ट। लॉन्च किया स्लोफाई ऐप, जिसमें यूजर जीत सकेंगे स्कॉलरशिप। प्रवासी मजदूरों, बेरोजगारों के लिए रोजगार और जरूरतमंदों तक हर संभव मदद पहुंचाने वाली सोनू सूद अब बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं। सोनू सूद ने अपना स्कॉलरशिप ऐप स्लोफाई लॉन्च कर दिया है। इस ऐप की लॉन्चिंग की खबर उन्होंने ट्वीट के जरिए दी, जहां उन्होंने बताया कि इस ऐप के यूजर्स स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। इस ऐप में 100 से ज़्यादा और करोड़ों रुपये भी वेरीफाइड स्कॉलरशिप है। चुनाव काल में बिहार पर मेहरबान प्रधानमंत्री मोदी ने दी 14,258 करोड़ की सौगात। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। बिहार में चुनावी काल में मेहरबान केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर प्रदेश को 14,258 करोड़ की सौगात दी है। पीएम मोदी ने प्रदेश में 3-4 लेन समानांतर पुल और 4 सड़कों का ऑनलाइन शिलान्यास किया। शिलान्यास होने वाली योजनाओं में 3 महासेतु एवं 1 गांधी सेतु, दूसरा विक्रमशिला सेतु के समांतर और तीसरा फूलोद का 4 लेन का पुल शामिल है। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2020, रेलवे एनटीपीसी भर्ती का एप्लीकेशन स्टेटस लिंक एक्टिवेट। 15 दिसंबर से शुरू होने वाली आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा को रेलवे भर्ती बोर्ड ने कल एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया है। उम्मीदवार आरआरबी की सभी क्षेत्रीय वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकेंगे। इसके अलावा आरआरबी के सभी उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एसएमएस और ईमेल के जरिए भी सूचित करेगा। बस्तर को मिली हवाई सेवा की सौगात, मुख्यमंत्री ने किया उड़ान सेवाओं का शुभारम्भ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार शुरू से ही बस्तर के सर्वांगीण विकास हेतु कृत संकल्पित है। हम बस्तर की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए बहुआयामी प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में बस्तर में आज विमान सेवा प्रदान की जा रही है। बिजली और डीजल पंप से मिलेगा छुटकारा, सौर ऊर्जा से होगी सिंचाई। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। हिमाचल में सिंचाई करने के लिए डीजल बिजली से चलने वाली पंप अब सौर ऊर्जा से चलेगी। 23 सितंबर को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला स्थित राज्य स्थित गृह पीठाव से केंद्र सरकार की कुसुम योजना का शुभारंभ करेंगे। हिम ऊर्जा बिजली बोर्ड और कृषि विभाग मिलकर हिमाचल में यह अभियान चलाएंगे। सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिए आने वाली कुल लागत किसानों को सिर्फ 10% उठाना होगा। मोदी सरकार ने किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान योजना बिजली संकट से जूझ रहे इलाकों में ध्यान में रखकर शुरू की है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।